Hello everyone, I'm teacher to this question for you, and our question is, and this is our question, which is, tick the correct answer in the following and justify your choice. The perimeter and the area of the circle are equal numerically. Then the radius of the circle is, तो हमें यहाँ चार पॉइंट्स दिए हैं, A which is 2 units, B which is 5 units, C which is 4 units and D which is 7 units. तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है यहाँ पर कि जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो इक्वल है पेरीमीटर के. तो इसका मतलब हमें गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ सर्कल के. तो यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है. सो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 2πr. यहाँ पर रेडियस जो है वो सेम है तो हम उसको r से ही डिनोट कर रहे हैं. तो इसका मतलब हमें दिया है कि पाई आर स्क्वायर इक्वल है 2πr के. अगर इसको सॉल्व करें तो पाई से पाई कट कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r. और यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर अपॉन आर कर दें तो वो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 2. इसका मतलब हमारा जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितना आया है, 2, जो कि 2 यूनिट्स है. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2 यूनिट्स, जो कि है ए पार्ट. तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे. सो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 यूनिट्स एंड द आंसर इज पार्ट डी. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है पार्ट ए. सो पार्ट ए है हमारा आंसर जो है 2 यूनिट्स. सो नाउ दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप इट इज अंडरस्टूड. थैंक यू.